हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो जे एंड रूई के लास्ट एपिसोड में कुछ यूं हुआ था कि जे और रूई जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह प्यार मोहब्बत में डूबे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कबाब में हड्डी बनने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। तो रूई जो होती है वो जे ऐसे कहती है कि सुनो, क्या हम कहीं घूमने चलते हैं। जे फर्स्ट टाइम उसे मना कर देती है, लेकिन रूई भी कहाँ मानने वाली होती है, वो उससे जिद कर लेती है कि नहीं, चलना तो है ही मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हें चलना पड़ेगा। तो रूही के ऐसे हद से बोलने के बाद जिया उसे मना नहीं कर पाती। लेकिन जिया को कहाँ पता होता है कि रूही उन दोनों के नहीं बाकी सबके साथ जाने की बात कर रही है। तो रूही बाद में उसे बताती है, तो जिया तब भी मना कर देती कि नहीं, या तो हम दोनों साथ चलेंगे, या हम दोनों अलग चलेंगे, या फिर हम दोनों चलेंगे पर हम सब नहीं चलेंगे। पर रूही उसे फिर से मना लेती है कि नहीं, हम तो साथ चलेंगे। एंड उसके बाद ये लोग घर से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने के बाद भी इन्हें पता नहीं होता कि भाई हमें कहाँ जाना है। फिर उसके बाद ये लोग जगह भी डिसाइड कर लेते हैं कि पूरा दिन भाई एंजॉय करने के बाद कहाँ जाना है, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मतलब कि अपने फार्म हाउस की तरफ ये लोग जा रहे होते हैं। और उसी रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखता है। वैसे तो ये मना करती है कि देखो ये एरिया थोड़ा सा ख़राब है और इस वक्त कोई भी आसपास नहीं है, और इस एरिए में चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पर नहीं रुकते। मगर सब लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो कहते हैं कि नहीं यार, भूख लग रही है, हम यहीं पर रुक जाते हैं, और वैसे भी इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, देखो तो सही, अगर चोरी होती तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट किस काम का था। तो जिया भी सोचते कि शायद हो सकता है अब पहले से ज़्यादा चेंज हो गया हो, क्योंकि उसे भी यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है। और दीदी भी जिया से यही कहती है कि हो सकता है ना यार, इतने टाइम में यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हों। तो जिया फिर चुपचाप से उन सब के साथ अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर ये लोग अपना खाना खा ही रहे होते हैं, कितने में कुछ चोर वहाँ पर आ जाते हैं, और वो लोग इनसे कहते हैं कि तुम तुम्हारा सामान हमें वापस कर दो। तो इसी बीच में इन लोगों की कुछ सिर पैस हो जाती है, पर जिया का ध्यान अभी भी खाना खाने में होता है, उसे बस अपने खाने की लग रही होती है। तो रूही उसे थोड़ी सी नाराज होती है कि तुम्हें खाने के बाद कुछ नहीं दिखता है ना। तो जिया कहती है यार चोर है वो, गन सुन के हाथ में है, तुम अपना अपना सामान दे दो, क्यों अपनी जान को दांव पे लगाना है, वैसे भी सामान नया लेंगे, जान नहीं आ सकती, दे दो और खाओ पियो और चलो यहाँ से। लेकिन वो लोग नहीं मानते होते हैं, खास करके रूई, रूई का वो सामान फेवरेट होता है, वो देने को तैयार ही नहीं होती है। और इसी बीच कुछ से बहस हो जाती है, जिसके चक्कर में हाथापाई की नौबत आ जाती है। मगर इस नौबत के चक्कर में जब अपना खाना जोड़ करके उठना पड़ता है कि अरे यार क्या तमाशा है। एंड उसके बाद इन लोगों की कुछ फाइट्स वगैरह हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है, जो एक गन होती है वो एक गुंडे के पास होती है, और उसने आरफ की तरफ पॉइंटेड करी होती है, और एक गन जो होती है वो जिया के हाथ में होती है, जो उसने दूसरे गुंडे की तरफ पॉइंटेड की होती है। तो गुंडा कहता है देखो तुम तुम्हारी गन छोड़ दो, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। तो जिया उससे कहती है हाँ ठीक है, मैं तो गुंडी से नहीं करने वाली हूँ, तुझे गोली चलानी है तो चला दे। तो जो वो गुंडा होता है वो गन चलाता है, लेकिन उसमें गोलियाँ ही नहीं होती है। लेकिन आरव की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बाई चांस अगर उसमें गोली होती तो उसका तो सर बन जाता, सर फूट जाता। मगर इतने में वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है, और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो देखती है कि जिया के हाथ में गन है, एंड थोड़ा फूड़ी हुई पड़ी है। एंड जो चोर होते हैं उनके कपड़े भी कुछ इस टाइप के होते हैं ना, कि उन्हें देख करके कोई जज नहीं कर सकता था कि ये चोर है, और ना इन्हें देख करके कोई जज कर सकता था। तो पुलिस वाले को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो इन सब लोगों को तो अपनी वैन में बैठाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ये पांचों के पांचों जो होते हैं वो अपनी गर्दन नीचे करके बैठे होते हैं, और जिया इन्हें बड़े गौर के देख रही होती है, क्योंकि इन पांचों की गलती होती है भाई, लाख मना करने के बावजूद भूख लग रही है कर करके रेस्टोरेंट के अंदर ले गए और भूख दो। तो जिया इनसे कहती है कि तुम लोगों की वजह से ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस पुलिस वैन में बैठना पड़ रहा है, तुम्हें पता है ये पुलिस वाला कुछ सुन भी नहीं रहा है, इसे कैसे बताऊँ मैं कौन हूँ, ये तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। और मुझे ये लगता है कि तुम लोग जिस तरह इस वैन में बिठा के लाए ना, उसी तरह मुझे हवालात के दर्शन भी करा दोगे आज। तो वो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं एक बार पहुंच जाए वहाँ पे, फिर हम उन्हें सारी स्टोरी बता देंगे ना। तो जिया कहते हैं हाँ स्टोरी बता देंगे, ये तो हमारे सब्सक्राइबर की तरह स्टोरी सुन लेंगे। अरे यार हद से नहीं हो गई है, पुलिस वाले हैं वो, कहानियाँ नहीं सबूत पे यकीन करते हैं, गन मेरे हाथ में थी, तुम लोगों को ध्यान नहीं है क्या, और ये चोर इससे आड़ा इनको तो मारूँ मैं ऐसे खींच खींच के। तो इतने में निधि कहती है कि छोड़ना जिया आप चुपचाप से बैठते ना यार, ये पुलिस वाला वैसे ही बड़ा स्ट्रिक्ट दिख रहा है बाई चांस। तो जिया कहती है तू तो मत बोले,
तू तो बिल्कुल मत बोले, जब मैंने तुझसे कहा था कि यार मेरी सिक्स सेंस जो है वो कुछ और ही कह रही है, तो तूने क्या कहा था? इतने टाइम के बाद आए हैं, हो सकता है सब चेंज हो गया हो। ले हो गया ना चेंज, ज़िंदगी में पहली बार ये नो बताई है मेरी। तो रूही कहती है, अब तुम्हें इस नौबत के लिए क्यों परेशान होना है, तुमने तो खुद ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा था, तो जिया जो होती है। फिर रूही की तरफ देखती है, क्या बोल रही हो, ये कौन सी सिचुएशन है? तो रूही कहती है, सिचुएशन वाली क्या बात है, बात कर लेना ना पुलिस वालों से। तो जिया कहती है, अरे मेरे भाऊ मेरी बात तो सुनो, हर कोई मुझे थोड़ी ना जानता है बाबू, मेरी शक्ल है और मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ बाबू, मैं कोई फिल्म स्टार हूँ जो मुझे मेरी शक्ल से पहचानेंगे, बेटे सारे इंट्रोडक्शन देने पड़ते हैं। और तुम्हें पता है ये नहीं सुनने वाला है गुड्डू, उसकी आंखें देखी है, गुस्सा देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे बदला लेने के लिए आया हो। तो रूही कहती है, अब कर लेना ना बात, तो चाहिए बात तो करनी पड़ेगी, कहना कि ये रात में मेरी स्वीट हार्ट को हवालात में थोड़ी ना कटवाऊंगी। तो रूही कहती है, यार इतने प्यार से मत बोलो, इतना प्यार हजम नहीं हो रहा मेरे। तो जिया कहती है, नहीं नहीं यार तुम्हारी क्या गलती है यार, तुमसे क्या कहूँ मैं। तो रूही से तो वो बड़े आहिस्ता बड़े प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन निधि वो थोड़ी सी चिड़ होती है, भाई मैंने क्यों उनसे गलती करी थी, मैंने भी तो यही कहा था। तो जिया उसकी तरफ घूर के, तो चुप रहा कर, मेरी स्वीट हार्ट है वो, मैं उससे कैसे भी बात करूँ, समझ में आया? और तू ना दिमाग मत लगा, मैंने उससे नहीं कहा था कि मेरी सिक्स सेंस ऐसे काम कर रही है, अगर उससे कहा होता ना तो वो मान जाती। पर इतने में ये लोग जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो इंस्पेक्टर होता है वो कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है। उस वक्त ये सब लोग जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, तो जी और रूही जो होते हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, और आयशा और आरव दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो निधि और संजय जो होते हैं वो दोनों कन्फ्यूज होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें क्या, कोई और नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो फिर मुँह फेर लेते हैं, अरे यार इससे और बात करूँ मैं, इससे और बात करूँगी मैं, इस सच्चाई कि मैं किसी से बात ही ना करूँ। लेकिन इतने में जो पुलिस वाला होता है वो वहाँ पे आ जाता है, और वो इन लोगों से इनके नाम पूछ रहा होता है। तो सबके नाम पूछने के बाद वो कहते हैं, हाँ भाई ये बताओ कि तुम लोग चोरी क्यों करते हो, दिखने में तो अच्छी वाली फैमिली से लगते हो, फिर चोरी का काम क्यों कर रहे हो? तो संजय कहते हैं, ओह इंस्पेक्टर सर हम आपको कोई चोर नज़र आते हैं, आपको पता है मैं कौन हूँ? तो इंस्पेक्टर के जो डंडा होता है ना उस टेबल पर मारते हुए कहते हैं, ओ हेलो ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, जो इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हो, यहाँ पर इतनी तेज़ आवाज़ में बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है, गॉट इट, अगली बार बताना ना पड़े। तो संजू कहते हैं, इंस्पेक्टर सर आप मुझे जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। तो इतने में निधि होती है वो बीच में घुस जाती है, हाँ हाँ तुम तो प्रधानमंत्री हो ना, जो तुम्हें सब लोग जानेंगे। तो संजू निधि की तरफ देखता है, तू चुप रहे, तुझसे नहीं बात कर रहा हूँ ना मैं। तो निधि कहती है कि हाँ तो उनसे भी इस तरीके से मत बात करो ना, प्यार से बात करनी नहीं आती क्यों तुम्हें, इंट्रोडक्शन दे रहे हो ये डरा रहे हो। तो संजय बोलता है, डरा नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो बताया ऐसे ही जाता है। तो निधि कहती है, तुम्हारे कैनेडा की पुलिस नहीं है, समझ में आया, जो पे 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 करके बोले जा रही हो तुम, ये इंडिया की पुलिस है, समझ में आई? तो संजय और निधि होते हैं वापस में झगड़ रहे होते हैं, तो जो पुलिस वाला होता है वो दोबारा से टेबल पर डंडा मार कहता है, ओए तुम दोनों प्लीज़ चुप हो जाओ, और उसके बाद इन चारों की तरफ इशारा करता है, प्लीज़ इन दोनों हस्बैंड वाइफ को चुप कराइए, बिना वजह झगड़ रहे हैं। तो संजू और निधि जो होते हैं वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ, हम दोनों कहाँ से लगते हैं? तो निधि होती है वो संजू कहते हैं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, और संजू निधि की तरफ इशारा करके, ये मेरी वाइफ नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है, फिर तुम दोनों झगड़ क्यों रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या? तो निधि कहती है, छी, और संजू कहता है, छी इससे मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती, ये ज़िंदगी मतलब ये दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी होंगी ना तब भी मैं इसे पसंद ना करूँ। तो निधि कहती है, हाँ और अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का होगा ना तो मैं इसे पसंद ना करूँ। तो पुलिस वाला कहता है, फिर तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? तो संजू कहता है, झगड़ने का मतलब क्या होता है, झगड़ने से कोई हम दोनों पति पत्नी हो गए? तो पुलिस वाला कहता है, अधिकतर तो पति पत्नी ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे हो एक दूसरे को, खैर छोड़ो तुम लोगों से मैं बाद में बात करूँगा, तुम लोग तो वो हो जो अपनी गलतियाँ नहीं मानोगे, तुमसे मनमानी पड़ेगी। लेकिन इतने में जो कॉन्स्टेबल होता है वो तो चोर लेके आता है कि साहब ये लोग चोरी कर रहे थे। तो पुलिस वाले कहते हैं, लो आज चोरी के इतने सारे केसेस आ गए, लाओ लाओ पहले उन दोनों को लाओ फिर इनसे बात करता हूँ, इनका केस तो वैसे भी बड़ा वाला है। तो जो हवलदार जो होता है वो जब उन दोनों को चोरों को लाता है, तो उनमें से एक चोर जो होता है वो जिया की तरफ देख रहा होता है, बार बार देख रहा होता है। तो पुलिस वाला जो है फिर उसे कहता है, ओह
किधर देख रहा है तू? तो चोर कहता है आप सब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। तो वो जिया की तरफ जाता है और मतलब कहता है आपने मुझे पहचाना? तो जिया उसे कहती है आप पहचाना? देखा देखा से तो लग रहा है यार, तू कहाँ देखा था मैंने? तो वो चोर कहता है घर पे हार लॉक लॉक। तो जिया कहती है अरे यार प्रिजन तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ क्या करूँगा, क्या करूँ, चोर हूँ, पुलिस स्टेशन तो मेरा ससुराल है। तो जिया कहती है यार ये तेरे ससुराल वालों से बोलना मुझे यहाँ से निकाले, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रखा है। तो जो चोर होता है वो पुलिस वाले कहते हैं साहब आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बड़े लोग हैं, ये क्यों चोरी करेंगे? तो पुलिस वाला कहता है कि अच्छा इतने बड़े लोग हैं तो तू इन्हें कैसे जानता है और ये तुझे कैसे जानते हैं? चोर चोर मुसेरे भाई। तो वो चोर कहते हैं अरे नहीं साहब ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको पता है ये कौन है? आप जानते नहीं हैं इन्हें, इनके इतना बड़ा घर है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है और आपको तो पता भी नहीं होगा, जब मैं इनके घर में चोरी करने के लिए गया था ना तो उन्होंने साफ कही थी चोरी मत कर पैसे ले जा, और इन्होंने मुझसे काम भी करवाया था। तो पुलिस वाला कहते हैं वाह चोर को इसने नौकर बना दिया, हाँ और नौकर को तनख्वाह दी है। तो चोर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्होंने मुझसे लॉक खुलवाया था, एक्चुअली लॉक तोड़वाया था बिना किसी को बताए। तो पुलिस वाला कहता है लो तुम्हें लॉक खोलना नहीं आता क्या, तुम चोर हो? तो तुझे कहते ओ हेलो पुलिस वाले हो इसलिए इज्जत कर रही हूँ, तमीज़ से बात कर रही हूँ, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, समझ में आया? तो वो चोर कहते हैं हाँ हाँ सर आप गलत समझ रहे हो। तो जो पुलिस वाला होता है वो उसको अंदर लॉकअप में बंद कर देता है कि तुझसे मैं बाद में बात करूँगा, पहले इन लोगों से ही नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन जिया का ध्यान जो होता है वो उस चोर की तरफ होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी उसे इतना ध्यान होता है कि रूही ने कहा था कि मेरी एंकलेट ढूंढ देना ढूंढ देना ढूंढ देना। तो वो कोशिश करी थी वो किसी तरीके से उन चोर के पास जा करके वो पूछ सके कि तुमने तो चोरी नहीं करी है। लेकिन पुलिस वाला जो होता है उनकी नज़र जो होती है वो इन सब पे ही होती है, पर जिया भी कहाँ मानने वालों में से, वो चुपचाप जा करके उस चोर की तरफ जाती है। इस सुन 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 तो थे इधर आ इधर आ। तो वो मेम्बर जो होता है उसके पास तक क्या हुआ? तो जिया कहती है तूने उस दिन वो पायल जो मेरे कमरे से चुराई थी तुझे मना करा था ना मत लेके जाइए, फिर क्यों लेके गया? तो वो चोर कहता है अरे मेरी क्या गलती है यार, आपने बाद में बताया था, उससे पहले मैंने बैग में डाल दी थी, बाकी चीज़ें निकल गई, वो छोटी सी थी बैग में ही आ गई। तो जिया कहती है अब बैग को छोड़ वो बैग कहाँ है, तुझे पता है मेरी प्यारी सी वाइफी ने कितनी बुरी हालत कर रखी है मेरी, मुझे वो पायल चाहिए कहाँ है वो? तो जो कहता है अरे यार नहीं दिला देते आप सिर्फ एक पायल के लिए। जिया कहते हाँ क्या ना कि मैं भी तेरे तेरे बड़ी स्मार्ट हूँ, मैंने भी यही कहा था नहीं दिला देते हैं, लेकिन उसने मुझसे ये कहा था कि उसे वही चाहिए, जल्दी बताना कहाँ है वो? तो वो चोर कहते हैं आप वो तो बाहर है, मतलब कि वो तो मेरे घर रखी है, मैंने संभाल के रखी है, मैंने उसे बेचा नहीं है, मैंने यही सोचा था कि मैं उसे आपको वापस कर दूँगा, मैं आपके घर भी आया था लेकिन आपके वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी थी ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर आने की, और बाई चांस वो मुझे सच में चोर समझ लेते और पुलिस के हवाले कर देते तो? तो जिया कहती अरे तो मेरा नाम लेके आ जाता ना। तो जो कहते पर आपका तो नाम भी नहीं पता ना मुझे, और मुझे क्या पता कि आप उसे मिलोगे नहीं मिलोगे, पहचानोगे नहीं पहचानोगे, आप कभी मुझे बाहर भी नहीं दिखे और अब दिखे हो तो पुलिस स्टेशन में, वैसे आप लोगों को क्यों लेके आए ये लोग? तो जिया कहते अरे काफ़ी लंबी स्टोरी है यार छोड़ना, तो मुझे एड्रेस दे और प्लीज़ मुझे मेरी पायल ज़रूर दे देना। तो वो चोर कहता है कि अरे आप तो यहाँ से सेफली बच जाओगे, मेरा भी कुछ करो ना। तो जिया कहती आ तो तू ये चाहता है कि मैं मेरे साथ साथ तुझे भी निकालूँ, अरे तू तो चोर है यहीं रह। तो कहते अरे सोच लो आपको आपकी पहल नहीं मिलेगी। तो जिया कहती यार अजीब ज़बरदस्ती है, धमकी दे रहा है तो मुझे। तो चोर कहते हैं आप धमकी नहीं दे रहा लेकिन वो मेम साहब नाराज़ नहीं हो जाएगी आपसे? तो जिया कहते मेम साहब तो बहुत पहले से नाराज़ है मुझसे, बस उन्हें याद नहीं है, याद आएगा ना उसे मेरे सर पे टांड अप करेंगी वो। चल ठीक है तू भी ये याद रखेगा कि इस दिलदार से पंगा पड़ा है, मुझे निकलने दे तेरे को भी निकलवा देती हूँ। लेकिन इतने में पुलिस वाले की नज़र जो है वो जिया पे बढ़ जाती है। तो वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना चोर चोर मुसहरे भाई, हेलो मैडम यहाँ पे देखिए। तो जिया जो होती है फिर वहाँ चल जाती है जिस सर बताइए। तो पुलिस वाला कहता है आप कहाँ पे चोरी का प्लान बना रहे हो? तो जिया कहती है आपके घर में सर, सोच रहे हैं असली माल तो वहीं पे मिलेगा। तो पुलिस वाला जो होता है वो थोड़ा गुस्से में क्या बोल रहे हो तुम? तो जिया कहती सर आपको बहुत तरीके से बता रही हूँ। तो जिया जो होती है फिर अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। तो पुलिस वाला अच्छा तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ?
तो जिया कहती है आप मानो या मत मानो, बस एक बार मुझे मेरा फ़ोन तो वापस दे सकते हो। तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं, फ़ोन नहीं मिलेगा। तो इस बार जिया को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्यों नहीं मिलेगा? फर्स्ट एक चीज़ बताइए, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं? और आपको इतना नहीं पता कि आप लड़कियों को लेके आए? लेडी कॉन्स्टेबल कहाँ पर नहीं है ना यहाँ पर? और एक चीज़ बताइए, आपने मुझे रात के 9 बजे कैसे अरेस्ट कर लिया? पुलिस वाले हो ना, कि आपको इतना भी नहीं पता कि रात को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? और आपने अरेस्ट किया लेकिन ऐसा कोई क्राइम भी नहीं हुआ था, ठीक है? और ना ही आप मुझे मेरे एडवोकेट से बात करने दे रहे हो। एक चीज़ बताइए, कौन सा कानून है जो आप मुझे दिखा रहे हो? या मैं आपको कानून बताऊँ क्या होता है? तो पुलिस वाले कहते हैं क्या अब तुम मुझे सिखाओगी? तो चिया कहती है अगर नहीं आता है ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, समझ में आया? फर्स्ट मुझसे आप बात नहीं करोगे, बुलाइए आप किसी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाइए या कॉन्स्टेबल को बुलाइए, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा अपनी ज़बान चलाई ना तो शायद आप जानते नहीं हैं जितना आपने कानून पढ़ा है ना मैंने उससे ज़्यादा तोड़ा है, समझ में आया? कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वर्दी का कमेंट दिखा रहे हो ना, समझ में आया? तो जैसे कि इस टोन की वजह से पुलिस वाला भी होता है थोड़ा सा समझदार हो जाता है कि हाँ भाई जिसे उसने अरेस्ट किया उसे भी कानून की थोड़ी सी जानकारी तो है। तो जिया उसे कहती है क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या आपके? मैंने आपसे कहा है या तो मेरा वकील यहाँ पे आके बात करेगा या फिर गर्ल्स में आप किसी अपने सीनियर को बुलाइए या जूनियर को बुलाइए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बुलाइए, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने किसे अरेस्ट किया है और किससे इतनी बदतमीज़ी से बात की जा रही है। अगली बार ऐसी गलती करने से पहले ना एक बार नहीं हज़ार बार सोचोगे। तो पुलिस वाला जो होता है उसका भी अब गला थोड़ा सा सूखने लग जाता है, तो कहते हैं आप है कौन, कौन हो आप? तो जी कहती है वो तो मैं तुझे बता चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ, लगता है तुझे यकीन नहीं है, लेकिन डोंट वरी बहुत जल्दी मैं तुम्हें यकीन दिला दूँगी कि मैं कौन हूँ, पर उसके बाद तुम तुम्हारा सोच लेना। तो पुलिस वाला कुछ बोल ही पाता कि इतने में जो रेस्टोरेंट होता है उसके ओनर को पुलिस पकड़ के ले जाती है कि सर यही था जो भाग गया था वहाँ से। तो पुलिस वाला जो होता है जिया से बचने के लिए, मतलब कि उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि इस मामले में पुलिस वाले की गलती थी, उसे रात को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था और पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं, उसे जो भी मैटर था वहीं पे सॉल्व करके आना चाहिए था। वो इस तरह से आधी रात को उन्हें पुलिस स्टेशन ले आता, लेकिन इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो सोना के पास रहता है कि तुम हम सबको देख करके भाग क्यों गए थे? हाँ, और एक चीज़ बताओ, तुम्हें तुम्हारे रेस्टोरेंट की कोई परवाह नहीं है, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं और तुम वहाँ से भाग गए हो। तो वो आदमी कहता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था, इन लोगों के हाथ में रिवॉल्वर थी तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि न जाने क्या हो गया। तो पुलिस वाला उससे कुछ बोल ही पाता कितने में जिया जो होती है वो कहती है अब ज़रा तुम यहाँ आ ही गए हो तो इन लोगों को सच भी बता दो कि क्या हुआ था एक्चुअल में वहाँ पे, कहना कि तुम्हारी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पहले ही यहाँ पर होते ना तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो आदमी कहता है हाँ लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि जो रात हो गई है। तो पुलिस वाला भी कंफ्यूज, क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो कहता है मैं तो अंदर कुक से खाना बनवा रहा था, जब मैं बाहर आया तो ये दोनों लोग आपस में हाथापाई कर रहे थे तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया था, मुझे नहीं पता कि चोर कौन है इन दोनों में से। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो अपना सर पकड़ लेता है, एक तो पागल इंसान मिले, एक बेवकूफ़ इंसान मिला है, अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि चोर कौन है? जिया जो होती है वो पहले तो उनकी तरफ ध्यान दे रही है लेकिन फिर उसका ध्यान जो है वो लियो की तरफ जाता है, उनके चेहरे पे थकान जो है साफ दिख रही होती है। तो जिया रोहित कहती है सुनो क्या हुआ? तो रोहित कहते हैं कुछ नहीं यार, थक गई हूँ ना, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो जिया कहती है अरे ओके रोहित, देखते हैं जितना जल्दी हो सके ना इन्हें ख़त्म करते हैं फिर घर चलेंगे। एंड उसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो उस रेस्टोरेंट के मालिक से बहुत से सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच जिया को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कुछ जानता है फिर भी पुलिस वालों के सामने झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जिससे पुलिस वाला बात कर होता है और एक बार उसकी आंखों में झांकती है तो जो ओनर होता है वो इधर उधर नज़रें चुरा रहा होता है, तो जिया उसे रख के एक तमाचा मारती है और उसके थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज की होती है। तो उसके बाद रूही, आरव, निधि, आयशा, संजू, पुलिस वाले और वो चोर जो होते हैं वो जिया की तरफ देख रहे होते हैं और जिया का थप्पड़ इतनी तेज़ होता है कि जो आदमी होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और जब उठता है तो उसके राइट हैंड साइड से खून निकल रहा है और उसके हाथ में उसका दांत होता है। तो जिया उससे बड़े प्यार से कहती है कि रात के 10 बजे मैं झूठ सुनने के मूड पर नहीं हूँ, मेरे फैमिली वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गए
तेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, तो अब जल्दी से सच बोलना चालू कर दें, क्योंकि अगर मैंने सच निकलवाया तो एक दांत के रहे बाकी के बिगड़ जाएंगे। तो वो जो आदमी होता है वो घबरा जाता है और पुलिस वाले कहते हैं, सर आपके सामने मुझे किस तरह से थप्पड़ मारा है, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं ये लोग। तो जी उसकी बात को बीच में रखते हैं, खुद इंस्पेक्टर ने कानून हाथ में ले रखा है बड़ा, क्या वो सब छोड़। एंड उसके बाद वो पुलिस वाले की तरफ देखती है कि आपसे तो मैं यहाँ से निकलने के बाद बात करूँगी, क्या ना कि बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे परेशान कर दिया है। तो जो पुलिस वाला होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले और सच बोलने वाले की ट्यूनिंग अलग ही नज़र आती है। तो जी फिर उस दोबारा से उस आदमी की तरफ देखती है कि हाँ एक काम करते हैं, तुम पांचों को एक तरफ रखते हैं और फिर बात करते हैं। तो बाकी के जो चोर होते हैं वो कहते हैं, नहीं सर हमने चोरी करी है, हम चोर हैं। और किसने कहा ये लोग चोर हैं, हम चोर हैं सर, पिस्टल भी हमारी थी, इन लोगों की नहीं थी वो। और जो ये शरीफ शरीफ बन के घूम रहा है ना, जिसका ये रेस्टोरेंट है, सर ये मिला हुआ है, यही हमें फ़ोन कर करके बुलाता था और बोलता था कि चोरी का धमाल इसे भी चाहिए। तो जो पुलिस वाला होता है उसके बाद वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ लेता है और इन सबको डाल देता है जेल के अंदर। और इन सब से कहता है, मतलब रोहित या संजू आयशा इन सब से कहता है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो संजू कहता है कि अब आपको यकीन हो गया ना कि हम चोर नहीं हैं। तो पुलिस वाला कहता है हाँ यकीन हो गया और आप बाइज्जत यहाँ से जा सकते हैं। तो संजू जो होता है और बाकी लोग जो थे वो जाहिर होते हैं, लेकिन जे उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि आई एम सॉरी, जो भी आप लोग को मेरी वजह से परेशानी हुई, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी हो सकती है। तो जे कहते तुझे हम चोर नजर आते हैं क्या? तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं चोर तो नहीं लगते, लेकिन जो इंट्रोडक्शन दिया था वो तुझे कहते वो तो तुझे सुबह पता लग ही जाएगा। तो जो पुलिस वाला होता है और उसकी आंखों में थोड़ा सा डर सा होता है कि कहीं सच में उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जे उसके बाद कहते अगली बार से ना किसी को इस तरीके से मत लेकर के आना, ओके? तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद वो उसे उसकी गाड़ी की चाबियाँ दे देता है और जो भी फ़ोन्स वगैरह होते हैं वो भी सब दे देता है। एंड इसके बाद ये सब लोग बाहर आ रहे होते हैं। तो आरव जो होता है वो जिया से नाराज़ होता है कि ये पागल है क्या, इसकी वजह से आज मैं पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। तो वो इसी बात को आयशा से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन पागल है क्या, इसका दिमाग खराब है, इसने कितनी इजी वे में कह दिया हाँ गोली चला दो, अरे मेरे सर क्या होता है यार आयशा। तो आयशा को जवान दे पाती उससे पहले जिया कह देती है कि तो तेरा सर जो है ना वो आज नहीं होता, तेरी जान ख़त्म हो जाती, तेरा टट्टा वाइबा हो जाता तो वो और हो जाता। तो आरव जो है वो आयशा से कहता देखा किस तरीके से बात करी ये लड़की मुझसे, किस तरह से बात करी है आयशा। तो आयशा की जो होती है फिर हंसने लग जाती है, वो मजाक कर रही है बस, और वो पागल थोड़ी ना है जो इस तरीके से कहती कि गोली चला दो। तो आरव कहते हैं वैसे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो आयशा कहती है इतना भी ना पसंद नहीं करती कि वो तुम्हारी जान ले ले। फिर रोहित कहती है कि हाँ भैया आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, और जब तुम मेरे साथ चलो ना, क्या तुम उन्हें तंग करते रहते हो जब देखो तब चलो मेरे साथ। तो रोहित होती है वो जिया को अपने साथ आगे ले जाती है और आरव और आयशा जो होते हैं पीछे आ रहे होते हैं। तो आरव आयशा से कहते हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी बहन पागल है और इसने मेरी बहन को भी कर दिया, कई बार मुझे डर लगता है कहीं मेरी बहन को कुछ ना कर दे, खुद तो पागल है ही सही उसे और कहीं, पता मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन है ना इसके साथ ज़बरदस्ती से रह रही है, ज़बरदस्ती इसके साथ रिश्ता निभा रही है वो, अगर उसे मौका दो ना तो कभी इस इंसान के साथ ना रह सके, बेचारी ने क्या सोचा था और क्या हो गया, कितना प्यार करती है, सब प्यार करती है ना इसी वजह से इसके साथ रह रही है, वरना इसके साथ कोई नहीं रह सकता, इसे कोई नहीं झेल सकता। लेकिन आरव को कहा पता होता है कि जे उसके जस्ट पीछे ही है। तो जैसे ही वो टर्न होता है जे उसे घूर के देख रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ रोई होती है, रोई के चेहरे पर स्माइल होती है क्योंकि उसे आरव की बात पर हंसी आ रही होती है। लेकिन जिया को गुस्सा आ रहा होता है, वो रोई से कहती है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तो रोई होती है फिर जिया का हाथ दिया, अरे बाबा भैया मजाक कर रहे हैं, भैया मजाक करो ना, क्या जिया तुम भी नाराज़ हो रही हो, चलो मेरे साथ, और भैया आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए, टाइम देखिए कितना हो रहा है, हमें घर भी पहुँचना है अभी, जब तुम मेरे साथ चलो। तो जिया वहाँ से नहीं जा रही होती ना, वो और आपको खोद के देख रही होती है, काश उस पिस्टल में गोलियाँ होती तो आज तुम नहीं होता। तो रोई होती है फिर जो हाथ पकड़ा होता है जिया का उसे कहते हुए कहती है तुम चलो मेरे साथ, छोड़ो इन सबको।
लेकिन जिया जो होती है वो अभी भी आरव को घूर के देख रही होती है। तो रुई उसके पास मतलब उसका मूड ठीक करने के लिए रास्ते में उससे कहती चलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है, तुम तो पता है ना लोग सो मच मेरे बाबू। तो जिया कहती रहने दो, तुम्हारा भाई इतना बोल गया, तुमने उसे एक बार भी कुछ भी नहीं कही है और मुझे बता ही तुम। तो रुई कहती है मैं तो उन्हें बता के क्या करूँगी, प्यार तो तुमसे करती हूँ ना, तुम्हें बताऊँगी ना पागल, सबको थोड़ी ना बताती फिरूँगी। तो जिया कहती रहने दो, कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम उससे। तो रुई जाती है, फिर इनकी गाड़ी के सारे खुद लग जाती है और जिया को अपने ऊपर ले लेती है। सच में नहीं करती क्या मैं? तो जिया कहती है आप नहीं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो कहती है और सोच लो कहीं मैं कुछ और कर लूँ फिर तुम्हारे साथ अभी। तो जिया कहती कर लो लेकिन मैं तो नहीं मानती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो रुई कहती है अच्छा फिर कैसे मानोगी? तो जिया कहती है अब इतनी अच्छे तरीके से पाँव में ले ही रखा है तो किस तो बनती है। तो रुई कहती है अच्छा पुलिस स्टेशन के बाहर। तो जिया कहती है पुलिस स्टेशन के बाहर पसंद नहीं है? कोई नहीं अंदर करके कर लेंगे हम, मतलब अंदर चल के कर लेंगे। लेकिन रुई कहती है पागल मत बनो और हटो मेरे ऊपर से। तो जिया कहती है ओए तुम मुझे अपने ऊपर ली थी, आई मीन टू से अपने आगे लेके आई थी तो मैं क्यों हटूँ? तो रुई कहती है अब मैं कह रही हूँ ना मैं ही तो लाई थी। तो जिया कहती है पर मर्जी तो मेरी चलेगी, देखो क्या है ना कि हम आप आते हैं आपकी मर्ज़ी से जाते हैं हमारी मर्ज़ी से, तो अभी किसी के बिना तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतने में दीदी जो है वो शीशे के ऊपर ही नॉक नॉक करती है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो साइड में देखते हैं। तो दीदी कहती है कि गाइस तुम लोगों का अगर हो गया और रोमांस क्या हम यहाँ से चल सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो मैं एक काम करूँगी तो मैं यहाँ से जाने के बाद सीधे रूम में छोड़ाऊँगी, जी भर के कर लेना, फ़िलहाल यहाँ से चल लेते हैं। तो जिया जो है फिर रूही से तरफ देखती कहती है इसे बोलो मुझे किस करेगी, जब तक ये मुझे किस नहीं करेगी ना मतलब मैं तो नहीं मानने वाली। तो दीदी कहती है रूही प्लीज़ एक किस कर देना। तो रूही कहती है अरे पागल पागल है कि तू क्या बोल रही तू सबके सामने। तो दीदी कहती है हाँ तो गाल भी तो मांग रही है। तो जिया कहती है ओ हेलो हेलो पूछे देती होगी गालों पे, मुझे तो लिप्स पे देती है स्वीटर लिप्स पे। तो दीदी कहती है रूही। तो रूही कहती है सुनो। तो जिया कहती है पागल हो गया तुम दोनों, मैं तो बिना किस लिए नहीं मानने वाली हूँ भाई, भाई देखो जो भी है मुझे तो किसी चाहिए। तो रूही कहती है नहीं 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 मिलेगी, घर चलने के बाद मिलेगी, एक के साथ डबल मिलेगी विद पेलेंटी। ओके। तो जिया कहती है कन्फर्म? तो रूही कहती है कन्फर्म यार। तो उसके बाद जिया जो है फिर रूही को उठा दिया कि फिर अभी जल्दी से घर चलेंगे ना, मैं गाड़ी चलाऊँगी। तो उसके बाद वो आगे वाली जो सीट होती है वहाँ पर रूही को बैठा देती है और ये सब लोग पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन आरव जो है वो जिया से बहुत नाराज़ होता है, अभी भी नाराज़ होता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है। तो संजू जो है वो आरव से कहता है कि नहीं देख लो अब तो आपको ऐसी फैमिली मिलने वाली है और जिस इंसान को आप इतना गुस्से से देख रहे हो इसे तो आपको डोरसेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहती है अभी मैं जिया को बताती हूँ। तो संजू कहता है नहीं यार मजाक कर रहा था। वैसे आरव मुझे एक चीज़ बता दो, ये भले ही काम उल्टे फुलटे करती हो लेकिन काम सही ही करती है, बस थोड़ा सा ना तरीका अलग है। लेकिन इतने में जिया कहती है तुम सब लोगों की अगर बातें हो गई हो तो क्या हम चल सकते हैं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ चलो। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं वो अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें मतलब 11 दो बजे जाते हैं तो ये लोग काफ़ी थक जाते हैं और अपनी अपनी सर को सिरने लगाए सो रहे होते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं। तो जिया जो होती है फिर पीछे की जो लाइटें होती हैं उन्हें बंद कर देती है और रूही जब इनकी तरफ देखती है तो फिर वो जिया की साइड देती है सुनो तुम भी थक गए होगे ना काम का गाड़ी चला रहे हो। तो जिया कहती है क्या कर सकते हैं वैसे भी सब लोग बहुत थक गए ना। तो रूही कहती है हाँ ड्राइवर ले आते ना ज़्यादा ठीक रहता। तो जिया कहती है अच्छा फिर पता कैसा होता कि ड्राइवर यहाँ बैठा होता और उसकी बगल वाली सीट खाली होती, हम दोनों पीछे होते, अब हमें तीन तीन में बैठना पड़ता, मैं और तुम तो अलग बैठ नहीं सकते, तो संजू और निधि को अलग बैठना पड़ता, वैसे तो फ़ायदा ही होता लेकिन रोमांस कम होता है ना रूही। तो रूही कहती है कमाल है गाड़ी में कौन सा हमने रोमांस किया है, तो जिया कहती हाथों में हाथ लेके बैठे हैं एक एक नज़ारे देखे हैं। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है। तो जिया कहती है तुम्हारी स्माइल के आगे ना मेरी सारी एनर्जी चार्ज हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि थकान भी हो रही है। तो रूही कहती है अच्छा। तो जिया कहती है लेकिन फिर जिया अपना एक हाथ जो है वो रूही की साइड बढ़ाती है। तो ये थी क्या? तो जिया कहती है हाथ दो ना आपका, क्या है ना कि मुझे मेरी बैटरी चार्ज करनी है। तो रूही कहती है अच्छा मेरा हाथ बैटरी चार्जर है। तो जिया कहती है बैटरी चार्जर का पता नहीं, जिया का चार्जर है, जिया को चार्ज होने के लिए रूही की जरूरत पड़ती है। रूही तो रूही कहती है नहीं मैं हाथ नहीं दूँगी। तो जिया कहती है ओए प्यार से दे दो ना। तो रूही कहती है नहीं दूँगी,
तो जया कहती सोच लो मैं सबको। तो रे कहती है इन सबको क्या करोगे तुम, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, तो मैं अगर बैटरी 0% भी होगी ना तभी तुम्हें चार्ज नहीं करने वाली हूँ मैं। तो जिया कहती है ओके अभी बताती हूँ ना तुम्हें मैं। तो जिया जो होती है फिर गाड़ी के ब्रेक्स लगा देती है और वो तेज़ स्पीड में गाड़ी होती है, इसकी वजह से ये सब लोग जो है वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो संजू कहता है जिया ये क्या किया, तो जिया कहती है आप गाड़ी के आगे कुछ आ गया था, लेकिन वो ये सब कुछ रूही को देखते हुए कह रही होती है शायद कोई जंगली जानवर वगैरह था मैं देखती हूँ। तो संजू कहता है हाँ प्लीज़ एक बार चेक करो। तो जिया फिर गाड़ी के बाहर उतर जाती है और रूही भी उसके साथ उतर जाती है। तो जिया कहती है हाँ तो अब बताओ क्या इरादा है, तो रूही कहती है अब गाड़ी में बैठ जाओ करती हूँ तुम्हारी बैटरी चार्ज, बिना उसके तो तुम नहीं मानने वाली हो ना। तो जिया कहती है ये हुई ना मेरी स्वीटहार्ट वाली बात, वैसे कड़ी बार आ ही चुके हैं कुछ है भी नहीं किस कर लूँ क्या। तो रूही कहती है नहीं रूम में दे दूँगी यहाँ मत करो। तो जिया कहती कौन देख रहा है, वैसे भी ये लोग तो आधी अधूरी नींद में सो जाएंगे ना, देखो सो भी रहे हैं किसी। तो रूही जो दिया फिर जिया के पास आती है और फिर इन लोगों की सर देती है, फिर हल्के से जिया को एक लिप्स पे किस करती है और कहती है ठीक है अब चलो बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। तो जिया कहती ये हुई ना मत, तुमने बैटरी एक ही बार में 30% चार्ज कर दी मेरी। एंड उसके बाद रूही जो दिया फिर जिया का हाथ पकड़ती है और उससे गाड़ी में बैठा जाती है, फिर खुद भी आगे बैठ जाती है अब चलो हो गया ना चार्जर। तो ये लोग जो होते हैं फिर दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन अब रूही को भी जिया फिर प्यार आने लग जाता है तो वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेती है। तो जिया को तो पता होता है कि कुछ देर बाद रूही खुद ही उसके पास आ जाएगी, तो रूही की साइड एक बार स्माइल पास करती है। तो रूही कहते हैं ये हल्की सी स्माइल ये नहीं चाहिए मुझे। तो जिया कहती है अच्छा ये वाली नहीं चाहिए तो कौन सी वाली चाहिए, तो रूही कहती है बड़ी वाली। तो जिया फिर है ना स्माइल के साथ दांत पड़ने लगता है ये, तो रूही कहती है डराने की नहीं कोई है। तो जिया कहती है अभी तुमने कहा बड़ी वाली चाहिए, तो रूही कहती है हाँ बड़ी वाली चाहिए पर डराने वाली नहीं चाहिए थी ना। तो जिया फिर दोबारा से स्माइल करनी होती है, तो रूही जो फिर पीछे की तरफ देखती है तो ये सब लोग जो है वो सो रहे होते हैं, तो रूही उसके गाल पे जा करके हल्के से किस कर देती है। तो जिया कहती है ये क्या था, तो रूही कहती है अब तुम्हारा चार्जर था, सोच रही हूँ कहीं बीच रास्ते में गाड़ी बंद ना हो जाए। तो जिया स्माइल करने लगती है अच्छा जी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें चार्ज करना चाहिए, तो रूही कहती है हाँ तो कर दिया ना। तो जिया कहती है थोड़ा और गाड़ी घर तक जानी चाहिए ना। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया के गाल पे किस करती है, फिर अगेन किस कर रही होती है। तो फिर जिया कहती है कि सुनो कितनी चार्जिंग हुई, तो जिया कहती है आप 50%। तो रूही दोबारा से किस कर दिया कितनी 60%, फिर किस कर दिया 70%, वो कितनी 80%। तो रूही कहती है घर तक 100 करके जानी है क्या, तो जिया कहती है हाँ कर दूँगी तो अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए। तो रूही कहती है नहीं मुझे 100% बैठने की जरूरत नहीं है जिया। तो जिया कहती है नहीं मुझे 100% करो ना, तो ये कहते नहीं कोई जरूरत नहीं आ रही कहीं ऐसा ना हो कि 100% बैटरी मेरे लिए नुकसान साबित हो। तो जिया कहते नहीं 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 होगी ना करो ना। तो उसके बाद रूही होती है वो दोबारा से जिया के गाल के ऊपर किस कर देती है, क्योंकि उससे उस पर प्यार होता है और मौका भी अच्छा होता है कि सब लोग सो रहे हैं। तो जैसे वो किस करती है और जिया से पूछ लेती कितनी चार्जिंग हुई, तो जिया कहते 90% हो गई ना। तो रूही कहती है ठीक है फिर एक किसी और तुम्हारा 100% चार्जर। तो जिया कहते नहीं यार कहाँ एक किसी अभी तो 10% बैटरी है, 10 क्यों 20 केसेस ले लूँगी मैं इतने में तुमसे। तो रूही कहती नहीं बिल्कुल नहीं मिलने वाली, हर बार एक किस के बाद 10% बढ़ जाती है ना तो इस वाली किस के बाद भी 10% सीधे बढ़ेगा। तो जिया कहते फ़ोन चार्ज होने में लास्ट में जितना टाइम लगाता है ना वो शुरुआत में नहीं लगाता है। तो रूही कहती अच्छा तो आप अपने आप को फ़ोन समझ रहे हैं, तो जिया कहते नहीं हम अपने आप को आपका आशिक समझ रहे हैं किसी करो रूही। तो रूही जाती है फिर दोबारा से उसके गालों पर किस करने लग जाती है, तो उसके गाल पे किस करती करती है जी उसकी गर्दन की तरफ किस करने लग जाती है और वहाँ पे हल्के से वाइट करती है। तो जिया कहती है ये सारी चीज़ें ना तुम काश मेरे रूम के लिए बचा के रख लो सच्ची में, वहाँ करूँ ना तो मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे तो मैं हाथ और नहीं हटा सकती स्टेयरिंग से। तो रूही कहती है तभी तो तंग करने का मजा आता है। तो एक बार फिर से पीछे की तरफ देख रही है तो वो सब लोग सो रहे होते हैं, तो रूही जाती है फिर उसका एक शेल का बटन ओपन करती है। तो जिया कहती नहीं रूही नो बदतमीजी, तो कहती क्यों बदतमीजी ना करो मेरे तो हो तुम करने दो तुम्हारे साथ। तो उसके शेल के साथ साथ मतलब उसके बॉडी पे हाथ फेर लेती है। तो जिया कहते हैं रूही कम ऑन मान जाओ बाबू ऐसे नहीं करते हैं समझा करो। तो रूही कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं समझना है ना, तो उसके शेल जो खुलाता है उसे उसके सीने पे हल्के से किस कर दिया। तो जिया की तो आँखें बंद हो जाती है और सांसें तेज़ हो जाती है। तो रूही कहती क्या हुआ, तो जिया कहती यार बाबू मान जाओ ना कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, तुम्हें पता है ना तुम मुझे ऐसे छूते हो ना मैं
मेरा मन करता है ये गाड़ी को अभी रोक दूँ, तो रोहित कहते नहीं मत रोको, इन सब की नींद फिर से ख़राब हो जाएगी। दुलचिया कहते इन सब की नींद की बर्बाद हूँ मैं, तो कहते नहीं ना ये लोग जग जाएंगे तो फिर मैं तुम तंग कैसे करूँगी। दुलचिया कहती ये बोला ना तुम असली बात, तो कहते अब असली बात सुन ली ना मैंने, मतलब सुन ली ना तुमने। तो उसके बाद वो दोबारा से जिया के गर्दन पर किस कर देती है। तो कहते हाँ ऐसे हल्का हल्का सा किस कर सकती हो तुम मुझे, इससे मुझे भी अच्छा लगता रहेगा, तुम्हारे भी शांति मिलेगी और मैं गाड़ी भी ठीक से चला सकती हूँ। तो रोहित फिर कहती है अच्छा ये सेकंड बटन में खोल दूँ, तो जिया कहती है मैं मारूंगी तुमको बहुत मारूंगी। तो रोहित कहती है हाँ हाँ मार लेना, जो तुम्हारा मन करे वो मार लेना, लेकिन इतने अच्छे मौके को मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो जिया कहती है यार कितना अच्छा मौका है, ऐसे मौके तुम्हें शादी से पहले कितने मिले ना। तो रोहित कहती है हाँ तो हर बार मैंने इस मौके का फ़ायदा ही उठाया है। तो जिया कहती है ये और जब हम फ़ायदा उठा लें तो हम फिर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो रोहित कहती है फिर उसकी गर्दन पर ज़ोर से बाइट करती है, कहते आह समझा करो यार बस करो कितनी बाइट्स करोगी। तो रोहित कहती है मेरे हो तुम पर काट भी लो तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, हर जाओ तुम, और मुझे इधर नहीं उस साइड भी करनी है। तो जिया कहती है अब क्या करूँ मैं, इसके लिए तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो रोहित कहती है ये तो बात है ना, मैं आपकी गोदी में आके बैठ जाऊँ। तो जिया कहती है फिर मुझे दिखेगा कैसे, तो कहती है हाँ मैं ऐसे बैठूँगी ना, वो एक सेकेंड कैसे दिखेगा, शादी से पहले तो सब दिखता था तुम्हें, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब तो खुद ही उठा कर उठा कर बैठा देती, तब तुमको नहीं प्रॉब्लम होती थी गाड़ी चलाने में। तो जिया फिर रस्ते में कहती है हे राम कितना सुनाती है तुम मुझे। तो रोहित कहती है और नहीं तो क्या चेंज हो गया तुम, तो जिया कहती नहीं हुई आ जा मेरी माँ आ जा। तो रोहित होती है फिर उसकी गोद में बैठ जाती है और कुछ इस तरीके से बैठो ना कि जिया को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो रोहित होती है उसकी दूसरी वाली गर्दन की साइड भी बाइट कर लेती है। तो जिया कहती है हो गया ना तुम्हें शांति चलो हटो, तो रोहित कहती नहीं मैं नहीं हटने वाली मुझे अच्छा लग रहा है। तो जिया कहती अरे, तो रोहित कहती क्या हो तुम बैठे रहो ना मुझे, कौन सा तुम्हें गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कहती गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बस मैं तुमसे ये सुनना चाहती थी कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो रोहित होती है फिर उसके जो सीनों पर ना एक हल्के से ना किस करती है, सुन लिया ना खुश हो गए ना तुम। तो जिया कहती है बहुत खुश हो गई। तो ये कहती अच्छा क्या मिला, तो जिया कहती है सुकून मिला चैन मिला सब कुछ मिला, कि तुम्हारा भाई जैसे सोचता है मैं वैसे नहीं हूँ, मेरी जान मेरे साथ बहुत खुश है। तो रोहित जो है फिर उसकी नाक पकड़ लेती है भैया की बात को इतना मैं सोचा करो, एक बात बताओ जो हरकत तुमने उनके साथ करी थी उसके बाद वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो जिया कहती है वैसे उनसे मुझे तारीफ सुनने का शौक भी नहीं है, मेरी स्वीट हार्ट है ना मेरे पास, ये तारीफ़ कर दे या ये कह दे मेरे लिए बहुत है, और किसी की जरूरत नहीं है मुझे। जिया से सब कुछ बोली होती है लेकिन रोहित होती है वो उसकी कमर की साइड से अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी बॉडी पर फिर तो ऊपर लेके जा रही होती है, एंड इसके साथ साथ अपने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से करती है कि जिया को बहुत सुकून मिल रहा होता है। तो जिया रोहित से कहती है सुन तुम्हें ना हर तरीका पता है मेरी थकान दूर करने का। तो रोहित कहती है हाँ पता है ना इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारे करीब रहती हूँ ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता, ना तुम थकते हो ना ही तुम्हारी पेडिटिस होती है। तो जिया कहती है यही होने बात। तो रोहित होती है फिर वहाँ से उठ रही होती है, तो जिया कहती है अब क्या कर रही हो तुम, तो रोहित कहती है अब हो गए तुम ठीक हो गए हो चलो हटने दो मुझे। तो जिया कहती नहीं 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 तुम्हें कहूँगा, चेहरा देखो मेरा कितना उतर गया है हमसे टायर्ड। तो रोहित होती है फिर उसके एक गाल पर हाथ रखती है और दूसरे गाल पर किस कर देती है, और जो उसका हाथ होता है वो जिया की कमर में होता है। तो जिया कहती है यार तुम ना सच्ची में बड़ा सुकून दे देती हो मुझे, तुम जितना छोटा छोटा मुझे प्यार करती हो ना उतना बड़ा बड़ा मुझे सुकून मिल जाता है। तो रोहित होती है फिर उसके लिए उससे एक फिंगर रखती है कि कुछ मत बोलो तुम। तो जिया फिर झुक जाती है और जो रोहित होती है उसके गालों पे किस करते हुए फिर उसके कान की तरफ फिर थोड़ा सा नीचे फिर और नीचे फिर उसकी गर्दन पे और फिर गर्दन से हल्के हल्के से राइट साइड में कभी किस करती तो कभी उसके लेफ्ट साइड में किस करती। तो उसकी किस बहुत सॉफ्ट थी जो जिया को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रही थी और रोहित उसे जी भर के प्यार भी कर रही थी। तो रोहित कभी उसके गर्दन पे किस करती, कभी शर्ट से थोड़ा साइड करके उसके शोल्डर पे, तो कभी उसके सीने से फिर से ऊपर, कभी उसके होठों पर हल्के से किस करती, कभी उसके गालों पे। तो वो पूरी तरीके से जिया को महसूस कर रही थी, उसे गले लगा लेती और जिया को भी बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन उसके बाद रोहित फिर से उठ जाती है, तो जिया कहती रोहित कहती नहीं अब बस बहुत हो गया ना, एंड उसके बाद वो उसकी खुद में सूट के अपनी सीट पे वापस बैठ जाती है और फिर से पीछे की साइड देखती है। तो जिया कहती है यार इतना डरती हो तो प्यार क्यों करती हो, तो रोहित कहती क्या करूँ प्यार किए बिना रह नहीं सकती, वो डर लगता है कि कोई देख ना ले। तो जिया कहती यार ये लोग समझदार हैं, अगर ये देख भी लेते ना तो चुपचाप अपनी आँखें बंद करके सो रहे होते।
तो रूही कहती है अच्छा वैसे तो आपको परेशान करते रहते हैं, पास नहीं आने देते। तो जी कहते वैसे ही करते रहते हैं, इस वक्त इन्हें पता परेशान किया ना तो उठा के फेंक दूंगी गाड़ी में से बाहर, फिर आते रहेंगे खुद ही अपने आप। तो रूही कहती है कि हाँ गुंडागर्दी फिलहाल किया जाए अपने को, तो प्यार से ना बात किया करो। तो जी कहती प्यार से बात करने के लिए आप हैं, आपसे करती हूँ मैं जी भर के प्यार से बातें, प्यारी प्यारी बातें प्यार। तो रूही जो दी रस रहती है, तो जी कहती है आपकी स्माइल और हमारा दिल जो है वो पूरा फिल हो जाता है। तो रूही कहती है पता है मुझे, लेकिन उसके बाद जिया रूस कहती है और सुनो एक बार मेरा फ़ोन देना। तो रूही कहती है आधी रात को किससे बात करनी है आपको, 11:30 बज रहा है। तो जिया कहती है दोनों एक बार रूही। तो रूही कहती है नहीं मैं नहीं देने वाली। तो जिया कहती है अरे रूही प्लीज़ एक बार दे दो। तो रूही कहती नहीं पहले मुझे बताओ मेरी कौन सी सौतन से तुम्हें इस वक्त बात करनी है। तो जिया कहती है कोई दीजिए ना। तो रूही जो होती है फिर फ़ोन देती है लो करो बात। तो जिया फिर कुछ मैसेज वगैरह टाइप करती है एंड उसके बाद रूही को कहती है सुनो ये लो। तो रूही कहती है हो गई बात। तो जिया कहती है हाँ हो गई ना। तो रूही कहती है यार इतनी जल्दी। तो जिया कहती है इतनी जल्दी होती है क्या ना कि तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना और किसी से नहीं करती हूँ, और किसी से बात करने का इतना दिल भी नहीं करता है। और रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया के लिप्स के पास जाती है और स्ट्रॉन्ग वाली किस करती है 2 मिनट की, तो जिसकी वजह से जिया जो है वो ब्रेक लगा देती है। तो रूही फटाक से अपनी सीट पर बैठ जाती है और जो पीछे वाले लोग होते हैं वो दोबारा से आगे मतलब उनकी नींद खुल जाती है। तो निधि जो है वो जिया से कहती है कि इसी वजह से हम तुझे गाड़ी नहीं देते, तू हमेशा यही करती है यार, खुद तो चैन से रहती नहीं है, दूसरों को चैन से जीने नहीं देती है। तो जिया सोचती है कि यार ये क्या करूँ अब तो मैं फंस गई। लेकिन फिर वो बोलती है तुम लोग चैन से सो नहीं सकते हो क्या, सीट बेल्ट नहीं लगा सकते हो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो 1000 बार कहिए तुमसे सीट बेल्ट लगा के बैठा करो, नहीं तुम लोगों को लगानी नहीं होती, चुपचाप से लगा लो। और मैं क्या करूँ बार बार सी में कोई सामने आ रहा है तो चलना है ना, तो चुपचाप करके बैठ जाओ यहीं पर। तो ये लोग जो होते हैं वापस योग हो जाते हैं, अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं और कहते हैं आपकी बार ब्रेक। तो जिया कहते हैं नहीं नहीं आपकी बार नहीं लगेगा सो जाओ। तो ये लोग जो होते हैं फिर से सो जाते हैं और जो जिया होती है वो रूही की तरफ देख देती है। तो रूही जो होती है अपने मुँह पर हाथ रख के हंस रही होती है। तो अब जिया को भी हंसी आने लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो रूही से कहती है सुनो तुम भी थकी होगी ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी घर आने वाला है। तो रूही कहती है नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना ना और आप जाग रहे हो इसलिए मैं भी। तो जिया कहती है हर बात में मैं भी मत किया करो, वैसे भी घर जाके मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाली हूँ स्वीटहार्ट, तो तुम सोच लो थोड़ा सा आराम करना तो वो बनता है तुम्हारा। तो रूही कहती है नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन जिया जो होती है उससे क्या क्या के ज़बरदस्ती उसे भी सुला देती है। सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।